92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम रुगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायां श्रयन्तां प्रयन्ति। ओम ये जो मंत्र मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये मंत्र माता दुर्गा का है और ये मंत्र करने से आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। अगर आपकी तबीयत खराब है या नासाज है या किसी भी प्रकार से आपको बेचैनी है, मानसिक दबाव है, तो ये वाला मंत्र आप 108 माला कीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस सुबह में इसे कांत में मंत्र करने के लिए अति उत्तम समय है। मैं कामिनी खन्ना आपके साथ में हूँ सहर कार्यक्रम में। इस दिन की, इस पावन दिन की आपको देती हूँ बधाइयाँ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार 5/5/2017 चंद्र सिंह राशि में अहोरात्र, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी देर रात तक। आज के मुहूर्त हैं सुबह 7:48 से लेकर सुबह 9:24 तक है लाभ, सुबह 9:24 से लेकर सुबह 10:59 तक है अमृत, और दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 2:11 तक है शुभ। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। मेरा एक मोनो एक्ट शो होता है जागो, और उसमें ये वाला गाना, इसे गाना या भजन दोनों ही कह सकते हैं हम, मैं परफॉर्म जरूर करती हूँ, और मुझे पता है आपको भी पसंद है ये गाना। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप पे भरोसा या विश्वास नहीं करते। आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी ईश्वर भी आपके पास आएंगे। कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो खुद पे विश्वास सबसे पहले कीजिए, उससे क्या होगा, बड़े लोग आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी प्यारे समझदार सुंदर भोले श्रोताओं के साथ इस दिन की आपको देती हूँ ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए सुनते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य। आज चंद्रमा सिंह राशि में अहोरात्र और नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। मेष राशि के लिए आज का दिन चंद्रमा सिंह में आकर क्या करता है, सिंह में आकर आपको राहु के साथ बैठकर थोड़ा सा बेचैन करता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे काम बन नहीं रहे, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आपके काम बन रहे होते हैं, सब अच्छा हो रहा था, ये भ्रम है। राहु चंद्रमा के साथ बैठकर भ्रम बनाता है, और अभी पैसे के लिए थोड़ी सी परेशानी मैं मान सकती हूँ, लेकिन काम आपके सारे बन रहे हैं। वृषभ राशि के लिए आज जो है चंद्रमा आपके चतुर्थ में आकर राहु के साथ बैठकर आपको करते हैं बेचैन माता की तबीयत के लिए और साथ में अपने कार्य के लिए, लेकिन सन्मुख देखकर आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो बनाते भी हैं। हाँ, आपको जो घर की परेशानी है उससे निजात पाने के लिए आपको सूर्य को देखना होगा, आराधना नहीं करनी है आपको, ठीक है। मिथुन राशि के लिए आपके आज प्रवास के यात्रा के दिन, लेकिन यात्रा पे निकलने से पहले आपको सूर्य को देखना है, गायत्री के जाप करने हैं या हवन करना है या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके घर से निकलना है, तो आज आपकी यात्रा सफल होगी। आज आपको कोई अच्छा संदेशा मिलेगा आपके काम से रिलेटेड, और जो लोग आपको अटका रहे थे वो आज आपको पैसे दे जाएंगे। कर्क राशि के लिए आज चंद्रमा द्वितीय में आकर आपसे कहते हैं कि आप प्लीज अपने घर वालों के साथ बना के रखो, मीठा बोलो, नहीं तो क्या होगा, मीठा नहीं बोलोगे तो काम बिगड़ेंगे, और घर वाले जो है वो खुद भी परेशान है और भी परेशान होंगे क्योंकि राहु बैठा है वहाँ। आज आपको हेल्थ सुधारने का दिन, कोई डॉक्टर से मिलके आना है तो मिलके आइए। सिंह राशि के लिए लग्न में बैठ के चंद्रमा आपको अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड थोड़ा सा निखार तो देते हैं, ज्यादा चिंता करने लगे, लेकिन उसके विषय में, प्रेम संबंधों के विषय में और फॉरेन की यात्रा के विषय में
या और मैं खर्च के विषय में कह सकती हूँ, तो आपको क्या करना है इस स्थिति से बचने के लिए? शिव जी की आराधना करनी है, पानी ज्यादा पीना है। कन्या राशि के लिए आज चंद्रमा जो है आपके द्वादश में आकर खर्चे की बहुत चिंता देते हैं, अंधाधुंध खर्चे हो रहे हैं आपके। अरे शादी होने वाली है आपकी, तो अगर खर्चे हो भी जाएं तो क्या बात है, ये सब चीजें जो कभी कभी घर में एक एक बार होती हैं उन पर थोड़ा खर्चा करना चाहिए। और अगर बेचैनी हो रही है तो ढेर सारा पानी पीजिए और कृष्ण की आराधना कीजिए। मैं कामिनी खन्ना मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य बता रही थी, आती हूँ थोड़ी देर में तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य बताने। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत। आज शुक्रवार है और माता का दिन है, ऑब्वियस है कि माता के भजन में लगाऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ऑब्वियस है कि माँ के चरणों में झुकेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे। चलो चलो माँ के पैर छुओ और दिन को अच्छा बनाओ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सेहर कामिनी खन्ना के साथ। तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने की तैयारी करना, मतलब अगर आपने तैयारी की ही नहीं तो फेल तो होना ही है आपको, और फिर बाद में चिंता करने से क्या फायदा। तो इससे अच्छा है कि तैयारी तो करो और फिर जो होता है देखी जाएगी, फिर जो भाग्य में होगा वो होगा, तो ईश्वर पर भरोसा रहेगा तो सब अच्छा ही होगा। मैं कामिनी खन्ना सुबह सुबह आपको भाग्यवादी नहीं बनाती, लेकिन आपको बनाती हूँ मेहनतवादी कर्मवादी, ताकि आपके कर्म उजागर रहेंगे तो आपके काम सारे बनेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए जानते हैं तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य शहर कार्यक्रम में। तुला राशि के लिए आज चंद्रमा सिंह में आकर आपको थोड़ी बेचैनी देते हैं, पैसे से रिलेटेड, अपनी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड। और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको कॉल उठा के किसी को बोलना है, करना है कि मेरे पैसे दे दो, तो उठाइए कॉल। आज का दिन अति उत्तम है, पिछले कई दिनों से जो आपके पैसे अटके हुए थे वो आएंगे, बच्चे भी इसमें आपका साथ देंगे, वो भी कूल होंगे आज। वृश्चिक राशि के लिए आज चंद्रमा आपके दशम में बैठकर आपके वो वाले रुके हुए काम बनाएंगे जो आप चाहते हैं कि हो जाए। और अभी सितंबर के बाद तो आपके सारे काम बनने वाले हैं, लेकिन तब तक जो ये दो दिन आए हैं उनको कैश कर लीजिए और अपने घर की रेनोवेशन वगैरह कुछ बाकी है तो वो भी करवाइए, क्योंकि ये दो दिन आपको सहायता करेंगे। किसी प्लम्बर को कारपेंटर को बुलाना है तो बुलाइए। धनुराशि के लिए आज चंद्रमा आपके भाग्य में आकर आपको थोड़ी सी ये चिंता देते हैं, ये राहु के साथ बैठने पर मैं थोड़ा सा ग्रसित हूँ और मुझे जो चिंता है वो किस बात की है कि मेरे काम अटक गए हैं, तो ये अटके हुए काम भी तो खुलेंगे। जो स्थिति आती है वो जाने के लिए आती है, बाद में आप पछतावा करते हो कि आपने क्या बोला, जुबान पर कंट्रोल रहता नहीं और फिर इंसान जो है वो पछताता है बाद में। तो अभी आप जुबान पर कंट्रोल कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो नहीं है वो नहीं, जो है उसके लिए। मकर राशि के लिए आज चंद्रमा जो है आपके अष्टम में बैठकर थोड़ी तबीयत की चिंता देते हैं और परिवार की चिंता देते हैं, दोनों को संभालने के लिए पेशेंस की जरूरत है। मैं कहूंगी थोड़ा पेशेंस रखिए, मेडिटेशन कीजिए, आज योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, वॉक कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए घर में। ये दिन कहता है आपसे ये एक दो दिन आपको रिलैक्स रहना है। कुंभ राशि के लिए आज चंद्रमा आपके सप्तम में बनकर आपको पत्नी या पार्टनर या स्पाउस से झगड़ा ना करने की हिदायत देते हैं और कहते हैं छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाओ, और ये भी कहते हैं कि ये लोग हैं तभी आपका सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि एक आदमी से कभी रोम बनता नहीं, बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तभी एक इमारत खड़ी होती है। तो इनके सपोर्ट को नजरअंदाज ना करते हुए आगे बढ़िए। मीन राशि के लिए आज चंद्रमा आपके षष्ठ में बैठकर आपको हिदायत देते हैं कि विरोधी आपके अभी दो दिन के लिए ही शांत हुए हैं, फिर ये अपना सिर निकालेंगे सितंबर तक, तब तक क्या करना है आपको, सूर्य की आराधना करनी है या जल चढ़ाना है, नहीं भी चढ़ाना है तो एक काम आप कर सकते हैं, आप जो है थोड़ा सा पंछियों में दाना डालिए, हनुमान जी को थोड़ा सा आप राम राम लिख के चढ़ाइए, वो आपकी रक्षा करेंगे, वो आपको सद्बुद्धि देंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक मजेदार वास्तु टिप। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहर। जब इंसान मेडिटेशन करता है तो उसकी कैसी स्थिति आती है, जब वो मस्त हो जाता है, तो ऐसे में कुछ ऐसे गीत गाते हैं लोग, द मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सेहर कामिनी खन्ना के साथ। इससे पहले के सपने सच हो, देखने तो पड़ेंगे सपने, हाँ, तो रात वाले सपने सपने नहीं होते, खाली खुली आंखों से भी सपने देखे जाते हैं, और ये सपने आपके जब ही बनते हैं जब आप मेहनत करते हैं,
जब आप कर्म करते हैं, अपने सपनों पर कार्य करते हैं, तभी आपके सपने जो हैं वो पूर्ण होते हैं। तो मैं कामिनी खन्ना आपको सपने देखने के लिए नहीं कह रही, इस वक्त सोना नहीं है, उड़ जाइए, लेकिन फिलहाल इतना कहती हूँ कि खुली आंखों से आप सपना देखिए कि आप कितना ऊपर पहुंच रहे हैं, आपको भगवान ने कितना खुश नवाजा है। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज का जो वास्तु टिप है कुछ इस प्रकार है, साउथ ईस्ट कोने में आपको भर के रखना है पानी। ये पानी भर के रखने से साउथ ईस्ट कोने में आपको देखिए क्या रिजल्ट्स आएंगे, पैसे आएंगे, लक्ष्मी का वास होगा और तरह तरह की उपलब्धियां होंगी। और ये पानी अगर आप शीशे के ग्लास में या चांदी के ग्लास में या तांबे पीतल के ग्लास में भर के रखे तो अच्छा है, स्टील के बर्तन में भर के मत रखिएगा। तो ये था वास्तु टिप आज का, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। अभी फिलहाल आप सबको छुट्टियां पड़ी हुई हैं और सब लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं जाया जाए, कुछ लोग वैष्णो माँ जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आपको फील तो करा दूं कि माँ को आप घर में भी बुला सकते हैं, आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है, पर्वत चढ़ सकते हैं तो वैसे वहाँ तरह तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन अगर आपको वैष्णो माँ की याद आ रही है तो आरती यहाँ भी कर सकते हैं, आप करिए ना आरती वैष्णो माँ की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड डे।